देगी, इनको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये कह रहा रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन इज एक्स। तो आप जानते हैं रेडियस का रिलेशन एन और जेड के संख्या होता है, बस ये याद रखना है आप, जैसे वेलोसिटी में मालूम होगा आपको ये रिलेशन, ये याद रखनी है बस। तो इन पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। तो अब आपसे ये कह रहा है दो बार डिवाइड कर दो इसे बस। ये लगा तो एक मिनट में आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, वो कह रहा है लिथियम का एटॉमिक नंबर आपको मालूम ही है कितना होता है, 3। सेकंड ऑर्बिट मतलब आपको N1 दिया हुआ है सेकंड, Z मालूम है लिथियम का होता है 3, पेपर में गिवन होगा। रेडियस इसकी मालूम है X है, R1X दिया, पहले डाटा लिख लो आप। अब वो कह रहा है आप बेरिलियम में बताओ तो उसका Z कितना होता है 4, N कितना है उसका थर्ड ऑर्बिट, रेडियस आपको फाइंड करना। अब ये सारी वैल्यू रख दो यहां पर, देखो R1 कितना है, ये R2 फाइंड करना, N1 N2 Z1 Z2। अब इसको सोल्व करिए तो ये क्या हो जाएगा 4/9 ना, ये आपका आंसर आ गया। R2 कितना आ गया 27/16x, ये आपका आंसर। मतलब इस पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल रेडियस वाले पे या वेलोसिटी, इसलिए बोहर पोस्टुलेट के ये रिजल्ट्स जो हैं इनको ढंग से करके जाइए फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में। अब देखिए आप ये वाला क्वेश्चन कि फोर्थ क्लास से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में जंप मार गया है तो वेवलेंथ निकालनी। क्वेश्चन तो बहुत आसान है लेकिन कैलकुलेशन टफ पड़ जाती है, तो उसकी ट्रिक समझा देते हैं आपको क्या है। देखिए जंप करने वाले सारे क्वेश्चन इससे ही सॉल्व हो जाते हैं, जेड तो वन है हाइड्रोजन, तो सारे बोर्स पोस्टुलेट के क्वेश्चन जो जंप हो रहे हैं वो ये होते हैं, जेड स्क्वायर होता है लेकिन वो हाइड्रोजन है उसको वन ले लिया है मैंने। इसमें देखो कलाकारी ये आपसे वेवलेंथ पूछेगा तो आपको आर की वैल्यू की जरूरत नहीं है, 1/r की वैल्यू याद रख लो हमेशा ये होती है, विद इन अ सेकंड सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। आर जो रेट ऑफ कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है कि 1.097 × 10⁻¹ मीटर इनवर्स, नहीं वो तो होगा तो दे देगा। अब 1/r की वैल्यू हमेशा ध्यान रखेंगे फिक्स है। अब आप इसे लगा दीजिए, वो कह रहा है चीज किस में थी पहले, फोर्थ क्लास से जंप मार दिया, फोर्थ से फर्स्ट में आ गई, इसको सॉल्व कर लीजिए तो लैम्डा कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 3/16 15/16, तो ये आ जाएगा। अब 1/r की जगह ये रख दो नहीं तो आपको बहुत परेशानी हो जाएगी कैलकुलेशन, ये रख दिए, इसको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर जो है ये वाला जो फर्स्ट दिखाई दे रहा है ये नैनोमीटर में आ जाए, ये आंसर हो जाए। तो दो दो मिनट के क्वेश्चन नहीं है ये, है ना, इतने हल्के क्वेश्चन है शायद बोर्ड में भी नहीं आते होंगे। तो इसको लिख लो फिर मैं आगे आपको और चैप्टरों के भी क्वेश्चन बताता हूँ कैसे कैसे पूछे गए, लिख लो।